జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబెలంబితాంభుజంగ తుంగమాలికాం డమడ్డమడ్డమడ్డమడ్నినాద వడ్డమర్వయం చకార చండ తాండవం తనోతు నః శివ శివం శివం. आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हमारी जो हथेलियाँ होती है इसमें कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ होता है, हमारे हाथ की रेखाओं और उभरे हुए भागों से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम कैसे हैं या कोई कैसा है। हमारी हथेली के उंगलियों के नीचे का जो भाग है वो पर्वत कहा जाता है और इन्हीं पर्वतों के द्वारा जातक के स्वभाव की विशेषताएं मालूम पड़ती है, यहीं पे हमारे सारे ग्रह बैठे होते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हर्षल क्षेत्र के बारे में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हथेली में बुध पर्वत यानी कि कनिष्ठा, ये यानी सबसे छोटी उंगली में थोड़ा सा नीचे लगभग उससे सटा हुआ क्षेत्र माना जाता है हर्षल का क्षेत्र। वैसे हर्षल का हमारे प्राचीन ग्रंथों में विवेचन नहीं मिलता है। हर्षल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, उसी के नाम से हर्षल ग्रह का नाम दिया गया। तो हर्षल मानव को अपने विकरणीय प्रभाव से आंदोलित रखता है। मानव मस्तिष्क पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। इसके प्रभाव से जातक को विज्ञान के आविष्कार में सफलता मिलती है। यदि हर्षल पूर्ण विकसित हो तो यंत्र संबंधित कार्यों की ओर उन्मुख करता है। तो ऐसे जातक ज्यादातर मशीनरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता पाते हैं। ऐसे जातक अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं। यदि किसी की हथेली में हर्षल पर्वत से निकलकर कोई रेखा, मतलब यहां से कोई रेखा सूर्य रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाए, सूर्य पर्वत की ओर, तो व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है। हर्षल का झुकाव यदि बुद्ध की ओर हो तो व्यक्ति अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करके अपराधी भी बन जाता है और यह चिन्ह हृदय रोग की सूचना भी देता है। हथेली के मध्य भाग में झुका हुआ हर्षल क्षेत्र विलासिता और व्यसनों में लिप्त बनाता है। इसके बाद हम आते हैं मंगल क्षेत्र के बारे में। गुरु पर्वत के नीचे, हमारा गुरु पर्वत ही है, गुरु पर्वत के नीचे और बुध तथा चंद्र क्षेत्र के बीच मंगल पर्वत होता है। मंगल का सामान्य गुण बल, साहस, निर्भयता आदि है। यह रक्त को उत्तेजित करता है। तो ऐसे व्यक्ति मुश्किलों में भी विचलित नहीं होते हैं और यदि आप उनकी बुराई कर दो तो भाई ये उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है पर ये बहुत ही दृढ़ स्वभाव के होते हैं, बहुत ही दृढ़ होते हैं। अति विकसित क्षेत्र उग्र स्वभाव का प्रतीक है। इसके बाद है गुरु पर्वत। गुरु पर्वत का संबंध उंगली के प्रकार से भी होता है। यदि उपरे गुरु पर्वत वाले व्यक्ति की तुर्जनी उंगली, यदि ये उंगली लंबी हो तो उसमें लापरवाही के गुण आ जाते हैं। व्यक्ति लापरवाह होता है और एक बार कहने पर कोई बात नहीं सुनेगा, ये हिटलर बन जाते हैं, हिटलर जैसे एटीट्यूड आ जाता है उनके बीच में। वैसे तर्जनी की छोटी होने पर ऐसा नहीं होगा, उंगली के विकृत होने की स्थिति में यह व्यक्ति काफी धूर्त, पाखंडी, चालाक और स्वार्थी होता है। इसके अतिरिक्त तर्जनी की तीन खंडों में पहले खंड के लंबा होने पर व्यक्ति धर्मपरायण, राजनीतिक और शिक्षाविद हो सकता है, जबकि दूसरा खंड मतलब ये वाला दूसरा खंड यदि लंबा हो तो उसमें सफल कारोबारी के गुण आ सकते हैं, और तीसरा खंड यदि लंबा हो तो फिर वो व्यक्ति स्वादिष्ट व्यंजनों का शौकीन होगा। इसके बाद है चंद्र क्षेत्र, मतलब मणिबंध के ऊपर और हथेली के बाएं भाग के नीचे चंद्र छेद पर्वत कहलाता है। चंद्र पर्वत वाले व्यक्ति कल्पनाशील, संवेदनशील, कवि, कलाकार, सौंदर्य प्रेमी और साहित्यकार होते हैं।
यह गंभीर क्षेत्र मानसिक चिंता और चंचल बुद्धि प्रकट करता है। इस क्षेत्र में कोई रेखा शुक्र पर्वत तक पहुंच गई हो, शुक्र पर्वत हमारा यह हो जाता है, तो फिर विदेश यात्रा के योग बनते हैं। उसके बाद है सूर्य क्षेत्र। सूर्य क्षेत्र आपका ये हमारा अनामिक उंगली है, रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो क्षेत्र है वो सूर्य क्षेत्र कहलाता है। तो अगर ये समान उभार वाला हो तो व्यक्ति दार्शनिक, बौद्धिक, विद्वान, लेखक और वक्ता और धर्मगुरु बनता है। और यदि सूर्य क्षेत्र दबा हुआ हो तो मंद बुद्धि और ख्याति विहीनता प्रकट करता है। सूर्य क्षेत्र पर यदि तीन खड़ी रेखाएं हों तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कभी कभी यहां पर खड़ी रेखाएं होती हैं सूर्य क्षेत्र के ऊपर, और सूर्य क्षेत्र में आड़ी तिरछी रेखाओं को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी दशा अस्वस्थता प्रकट करता है। तो खड़ी रेखा जब हुई जो आराम से दिख जाए तो यह बहुत अच्छा होता है। उसके बाद है शनि क्षेत्र, मतलब मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर के नीचे और हृदय रेखा तक फैला हुआ ये जो क्षेत्र है ये शनि पर्वत माना जाता है, शनि का क्षेत्र है। तो शनि पर्वत यदि उभरा हुआ हो तो व्यक्ति एकांत प्रिय, भाग्यवादी, गंभीर, दूरदर्शी, आध्यात्मिक और परिश्रमी होता है। उच्च पर्वत वाले गंभीर स्वभाव के होते हैं। प्रतिफल नहीं मिले तो फिर बड़ी कुप्त होती है, यार ये मुझे मिला नहीं, मैंने इतना मेहनत किया मुझे मिला नहीं, ये वाली एटीट्यूड आ जाती है। इनका स्वभाव जो होता है बड़े शंकालु किस्म के होते हैं। तो ये जल्दी पारिवारिक व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। अधिक उभरे पर्वत व्यक्ति को उदासीन, अध्यात्मवादी और दार्शनिक बना देता है यदि बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो तो। उसके बाद है शुक्र क्षेत्र। शुक्र क्षेत्र अंगूठे के मूल से जीवन रेखा तक फैले हुए भाग को शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र विलासिता का प्रतीक होता है। इसका मतलब कि अगर यह पर्वत ऊंचा हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य, सौंदर्य, प्रेम, संतान, सुख में मदद मिलती है। ऐसा व्यक्ति दयावान, कला संगीत प्रेमी होता है। अति विकसित पर्वत व्यक्ति के प्रेम संबंधों की ओर संकेत करता है। सपाट समतल पर्वत व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बनता है। यदि पर्वत स्त्री के हाथ में बहुत उभरा हुआ हो तो यह उसके कामुकता का प्रतीक है। स्त्री बहुत कामुक प्रवृत्ति की हो सकती है। उसके बाद है बुद्ध क्षेत्र। यह हमारा बुद्ध क्षेत्र है। किनारे की सबसे छोटी उंगली के नीचे के उभरे हुए भाग को बुद्ध क्षेत्र या बुद्ध पर्वत कहते हैं। बुद्ध का स्वभाव दृष्टि सजग रखने का है। बुद्ध क्षेत्र के उभरे भाग वाले व्यक्ति अधिक यात्रा करते हैं। ऐसे व्यक्ति वाक शक्ति यानी बोलने की कला में माहिर होते हैं। उनसे बातों में जितना आसान नहीं है, परंतु उनका जो मन है वो अस्थिर रहता है। व्यापार व्यवसाय में पर्वत लाभ दिलवाता है। इस पर्वत पर खड़ी तीन रेखाएं हों तो व्यक्ति चिकित्सीय क्षेत्र में यश पाएगा। यहाँ पे अगर तीन रेखा हुआ ना तो डॉक्टरी वाले क्षेत्र में नाम कमाएगा। और यदि जो पर्वत है दबा हुआ हो तो ये फिर विवेकहीनता प्रकट करता है, यानी कोई इंसान जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय लेगा और फिर बाद में पछताता रहे। बाकी फिर जन्म कुंडली है जो बाकी सारी चीज़ें बता देती है। हथेली का हमने आपको बता दिया कि कौन सा ग्रह का कहाँ पे विराजमान है, ये मैंने बेसिकली बताया है। हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेसर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू।